अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है कशिफ शिरार खान। जैसे कि आपको पता है मैं मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का काम करता हूँ। ये हमारी जो है वो थ्री फेज है मार्बल ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग मशीन है। तो ये जो है हफ्ते को ख़राब हो गई थी फर्स्ट टाइम। हमने जी पहले इसके साथ दो जो है वो तार अटैच की हुई थी। अब हमें था कि पता नहीं इसमें, अब ये इसमें करंट जा रहा था, मतलब टाँटा कर रही थी, जैसे करंट जो है वो जा रहा था मशीन में। लेकिन हमारी जो है वो रिसर्च के मुताबिक या जो हमारा तजर्बा है उसके मुताबिक हमें यही पता चल रहा था कि इसको एक फेज़ नहीं मिल रहा, मतलब दो जा रहे हैं इसलिए ये बोल रही है, तीसरी वायर में करंट नहीं जा रहा। हुआ ये वायर हमने ये अटैच की हुई, ये थी एक्सटेंशन है ये हमारी, ये हमने बैक कर रखी है, ये एक्सटेंशन हमने बैक कर रखी है। अब मुझे ये था कि इसमें कोई मसला आ गया किसी वायर में। अब हमने टेस्ट लगाया इधर आके एंड पर एंड तीनों वायर की, ये पीछे से कनेक्शन किया, ये जो तीन सिरे हैं तीसरा किधर है, ये तीनों पे आके हमने जो चेकिंग के लिए लगाया टेस्टर, तीनों में वो चल रहा था। तो हमने कहा चलो भाई ये तो ओके, और फिर चलाएं मशीन, फिर ना चले। फिर हमने ऐसे किया कि ये जो है इसका स्टार्टर ये निकाला, इसको निकाल लेते चलते थे, आप चलते खुद ही चलते थे। ये हमने जी ये निकाला स्टार्टर। अब हमने पीछे सारा लगा के ना इधर चेक किया तो इधर भी आ रहा था तीनों में करंट, तीनों में जो है वो टेस्ट जो है वो जल रहा था। हमने सोचा कि इसका मतलब ये भी ठीक है, ये वायर भी हमारी वाइट जो जो स्पेस तार है हमारी तो ये भी ओके थे, मतलब ये क्योंकि इधर लगी हुई थी ना शायद इधर की, ये मेन केबल हमने इधर लगाई हुई थी, एक्सटेंशन हमने पीछे रखी हुई थी ये। अब यहाँ जो इसका जोड़ खुला है इसके साथ उसमें भी तीनों में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो हमने सोचा कि ये मोटर का, हमने मोटर एक बना रहे थे तो मोटर पट्टा चौक ले गए, इतनी मुश्किल से खोल के मोटरसाइकिल पे रखी हुई, वहाँ ले गए तो उन्होंने चेक की। वो आगे आगे लॉकडाउन, हफ्ता भी लॉकडाउन, इतवार भी लॉकडाउन, तो दो दिन तो वैसे लॉकडाउन था, दो दिन छुट्टी की फिर मंडे को जो है दुकानें खुली तो मोटर चेक करवाई, मोटर ओके। अब इसमें कहा कि ये क्या प्रॉब्लम है। अब हम आए फिर हम एक्सटेंशन जो है दोबारा चेक की, उसमें हमने ग्राइंडर लगा के सीरियस वो चेक किया, उसमें दो में करंट आ रहा था, एक हमारी वो ख़राब थी ये एक्सटेंशन में हमने तीसरी जो है वो चेंज कर दी। इतना ये देखो ये हालत हो गई हमारी, ये सारा दिन दूसरे दिन से हम खुद ही इंजीनियर बड़े पड़े, तो उसमें चेंज की तीसरी वायर नहीं डाली तो वो करके फिर चेक किया, फिर इधर इधर कर अच्छा फिर नहीं चली। फिर हमने जो है उसको काट दिया, वाइट जो है ना इसको दोबारा डायरेक्ट लगाया थ्री फेज कनेक्शन में, फिकर ऑफ करके लगा के चेक किया तो इस पे फिर नहीं चली मशीन। इसमें एक फिर ये जोड़ था हमारे पास, ये वाइट से ब्लैक जो है वो जॉइंट था। अब बिलाल ने कहा यार हम इसे चेक करते हैं, अगर इस पे चल गई ना मोटर तो मोटर इसका मतलब ओके है और कहीं पीछे वायर में मसला। जब इसको लगाया मशीन चल गई, अब ये कंफर्म हो गया ये एक्सटेंशन भी ओके है और ये मशीन भी ओके है, मतलब ये सारा कुछ ठीक हो गया। और एंड पे हमारा मसला रह गया इस वाइट तार में, वाइट का जो हमने चेक किया तो इसमें वो आया दो तारें सही काम कर रही थी, तीसरी तार जो है वो काम नहीं कर रही थी। और देखने में ये बिल्कुल सही है वायर, इसको कोई मसला नहीं है किसी जगह पर, ये जॉइंट्स भी नहीं है, ये वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा क्रैक आया इसलिए मैंने बोलवाई है। तो अब इसको फॉल्ट ढूंढना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, हमने चेक किया तो दो में करंट जा रहा था और एक इस ब्लैक में नहीं जा रहा था। इसका हल हमने ये निकाला कि एक मैंने अलग से एक्सटेंशन ली, वो अब मैं इसके ऊपर अब लगा रहा हूँ, ये एक्सटेंशन जो है मैंने फ्री भाई, ये एक्सटेंशन मैंने इसके ऊपर लगाई ताकि तीसरी तार का तीसरी तार का जो है ना वो करंट में 1 मिनट ओके
फोकस फोकस ऊपर ऊपर करो कैमरा, फेस फेस सीधा सीधा। अच्छा तो ये तीसरी तार जो है ये मैंने एक्सटेंशन इसको लगाया, तो इसमें हमने जो है ये मैं ऊपर ऊपर टेप लगा रहा हूँ, एक एक वायर लगा रहा हूँ ताकि हम तीसरी तार को जो है थ्री फेज करंट दे के मशीन चलाएं। तो आज का भी सारा दिन हमारा इसी काम में गुजर गया। ओके सर इधर रख, आज का भी सारा दिन जो है इसी काम में गुजर गया। हफ्ता इतवार तो वैसे भी हफ्ता भी हम तकरीबन 12-1-2 बजे तक लगे रहे, सारा दिन मोबाइल वगैरह चेक करते रहे। तो फिर हमने सोचा कि काश हम पहले इसे वाइट तार को चेक कर लेते और हमारी मशीन ही ना हमें ले जानी पड़ती मोटर, तो टाइम भी बच जाता और वीडियो बनाने का मकसद एक तो अवेयरनेस भी है और डॉक्यूमेंटेशन भी है। डॉक्यूमेंटेशन इस सेंस में कि दोबारा कभी मसला हो किसी के साथ तो वो बजाय कि अपनी सारी पहले वायर्स हैं उनको वो तसल्ली करें, उनको चेक करें उनकी। सॉरी ये शोर आ रहा होगा, हवा काफ़ी चल रही है, इन्होंने ये लगाए हुए हैं क्या पॉलीथीन लगाया हुआ दिखाएं, इसको आपने इग्नोर करना है अगर मसला आ रहा है। तो ये वीडियो इसलिए भी है, ये ब्लॉग हमारा इसलिए भी है कि हमने बहुत स्ट्रगल की है, दो दिन हमारे दो दिन भी इसमें गए हैं, दिहाड़ियाँ भी पड़ी हैं और स्ट्रगल भी और स्ट्रेस भी टेंशन भी, और सारे देख रहे थे वो वर्कर भी ये क्या कर रहे हैं ये खोल के यहाँ कबाड़ शबाड़ बैठे, लेकिन बड़ा स्ट्रगल किया। एट दी एंड शाम इस वक्त आई थिंक 5:30-6 हो गए मेरे ख्याल तकरीबन, है ना इतना टाइम। तो सुबह 9 बजे शुरू हुए हैं, तो आप अब तक इस रिज़ल्ट पर पहुँचे कि ये वाइट कार में जो है मसला है, तो अब सोल्यूशन निकल चुका है। आपके लिए भी यही पैगाम है, अगर थ्री फेस में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पहले अपनी वायर जो हैं वो जितने जोड़ हैं उनको तसल्ली से चेक कर लें। टेस्टर पे कभी इतबार ना कीजिएगा, कोई ग्राइंडर वगैरह या कोई बल्ब लगा के आपने चेक करने हैं, जब तक वायर का वो आपका इशू हल ना हो तो आपने मोटर पे ये नहीं जाना कि ये नहीं चल रही तो इसका मतलब मोटर ही ख़राब है, मोटर लेके किसी कारीगर के पास जा रहे हैं। तो ये मकसद था वीडियो बनाने का, और दूसरा जो है शेयरिंग करने भी। तो आज बस सारा दिन ये हमारा आज रूटीन थी, ये हमारा जो है आज का दिन ऐसे गुजरा सारा दिन ही बस। ये खाना शाना भी हमें कोई ख़ास मिला नहीं है, गए तो खाना ख़त्म था थोड़ी फिर रोटियाँ मुझे वहीं से खाया हुआ है, कोई खास फिर भी एनर्जी नहीं मिली आज, नींद भी पूरी नहीं हुई थी और थकावट भी थी, काम करने का दिल भी नहीं कर रहा था, और जब टेंशन होती तो फिर बिल्कुल नहीं काम करने का दिल करता तो बस, और स्ट्रेस आता है क्योंकि काम की जब प्रोग्रेस नहीं आती तो आप परेशान हो जाते हैं, और जब फॉल्ट ना मिल रहा हो तो और ही मुसीबत होती है, मतलब आपकी वहाँ गए हैं तो मोटर चल रही है यहाँ चल नहीं रही, ये मुसीबत है, तो ये बड़ा परेशानी का सबब है। उम्मीद है आपने व्लॉग आज का एंजॉय किया होगा, अगर आप इसमें कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दो में याद रखिएगा।